उपचुनाव हिमाचल के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू, तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर रोक। चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश की 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रदेश के 8 जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके साथ ही तबादलों से लेकर नई घोषणाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। आचार संहिता लगते ही सीएम जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा भी रद्द हो गया है। बता दें, हिमाचल की 1 लोकसभा सीट मंडी का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा। इसी के साथ हिमाचल की 3 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी दिन चुनाव होगा। आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 1 अक्टूबर को चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर तय की गई है। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छटनी होगी। 13 अक्टूबर नामांकन वापसी का दिन तय किया गया है। इसके बाद 30 अक्टूबर को मतदान होगा। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 5 नवंबर से पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी। राज्य में मंडी संसदीय सीट पर लोकसभा के चुनाव होने हैं, जबकि फतेहपुर, जुब्बल, कोटखाई और अर्की सीट पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। मंडी में सांसद रामस्वरूप शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद यहां सांसद का पद खाली है। फतेहपुर में पूर्व मंत्री और विधायक रहे सुजान सिंह पठानिया का 6 महीने पूर्व देहांत हो गया, जिसके बाद यह हल्का तो उपचुनाव के लिए निर्धारित समय सीमा को पार करने लगा है। जुब्बल कोटखाई में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक रहे नरेंद्र बरागटा के देहांत के बाद यहां विधानसभा की सीट खाली हुई है। अर्की में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस विधायक वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद यह सीट रिक्त हुई है।